गाइस ये मेरी पहली सीरीज शॉर्ट्स का कपड़ा काट के दे दिया। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज के वीडियो में टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो के बहुत सारे शेड्स। मेरे पास एक नहीं, दो, तीन, चार, पाँच, बहुत सारे शेड्स हैं गाइस। इन सबका अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों के सामने करने वाली हूँ। मैंने भी पहली बार मीशो से कुछ इतना सारा ऑर्डर किया है एक साथ, सो मुझे भी नहीं पता इनकी क्वालिटी कैसे होने वाली है, ये अच्छे दिखेंगे नहीं दिखेंगे, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। और गाइस मैंने जितने भी शेड्स मंगाए हैं ये सारे अंडर 100 हैं मोस्टली, एक या दो होंगे जो 120 या 130 के मंगाए होंगे, बाकी सारे अंडर 100 हैं। और कुछ कुछ तो इतने रीजनेबल है ना, आप लोग भी सुन के पागल हो जाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है ये, इसको ओपन करते हैं। गाइस पैकेजिंग तो बहुत ही ज़्यादा चीप है, आप देख सकते हो। ये जो चूड़ियों वाला बॉक्स होता है ना, सेम वही बॉक्स है, उसके अंदर तक गंदा सा क्लोथ दिया है इन्होंने साथ में। सो गाइस सबसे पहले जो मैं निकले मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर दो शेड्स मिल जाएंगे और इनका प्राइस, पहले इसको ओपन करते हैं, इसका प्राइस देखेंगे। एक ये शेड है और इसी में मैंने ब्लैक भी मंगाया है, ये मुझे कॉम्बो में मिल रहा था। तो गाइस ये था बाय वन गेट वन का ऑफर जिसको मैंने लिया है 120 रुपीज़ में। अभी इसका प्राइस बढ़ा हुआ है, 132 रखा है। मीशो के प्राइस जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो अभी ये 132 दिखा रहा है, बट मैंने इसको 120 में दो लिए, मतलब 60 के आसपास एक। और गाइस सबसे बड़ी बात, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं चाहे 50 रुपीज़ का हो या फिर 120 का, ये सारे ही प्रोडक्ट डिलीवरी फ्री हैं, इसके अंदर कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगे हैं। क्वालिटी तो सही है, इसके जो ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा लूज हैं, एंड आप देख सकते हो एक साइड से ये वाला बहुत ज़्यादा लूज है, ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हो रखा है, बट 60 रुपीज़ में आपको और क्या है, 60 रुपीज़ में आपको और क्या ही मिलेगा। तो इसको ट्राई करते हैं, हम देखते हैं। वाओ गाइस मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। जो गर्ल्स फोटोशूट करना चाहती हैं, जिनको शेड्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, इतने महंगे महंगे शेड्स नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ये वाला शेड ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 60 रुपीज़ में और क्या चाहिए। सो इसका जो दूसरा है वो भी ट्राई करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस मुझे वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लगा, और इसकी जो ये क्वालिटी है ये भी सही है, इसका जो स्ट्रिंग है ये वाला, ये दोनों बिल्कुल भी लूज नहीं लग रहे हैं। और ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले की क्वालिटी थोड़ी हल्की है, जबकि ये दोनों एक ही कॉम्बो में थे। मुझे तो ये बहुत सही लगा गाइस, इस टाइप के शेड्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये क्या है, मुझे डर लग रहा है इसको खोलने में। नेक्स्ट जो ये वाला शेड है, ये थे पराडा सनग्लासेस फॉर मेन एंड वुमेन, ये मुझे मिला सिर्फ और सिर्फ 42 रुपीज़ में। कैन यू इमेजिन 42 रुपीज़ में आपको पराडा के शेड्स मिल रहे हैं।
मतलब फोटोशूट के लिए तो ठीक है यार, आप लोग फोटोशूट करा सकते हैं इसे। तो मैं इसको आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पता नहीं आपको लाइट की वजह से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं शेड्स। आई थिंक मेरी शेड्स की चॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस। इतने कम प्राइस में 52 रुपीज में आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा शेड मिल रहा है। सरोजनी से बेटर आपको शेड्स अगर लेने हैं तो आप मीशो पे जाओ, एक्सप्लोर करो, आपको बहुत अच्छे अच्छे रीजनेबल प्राइस में शेड्स मिल जाएंगे। सो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत बहुत ज़्यादा। 52 रुपीज़ में मुझे ये शेड मिला है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई भी इसके अंदर डिफेक्ट नहीं लग रहा है मुझे। सो गाइस नेक्स्ट शेड देखते हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्सल की तरफ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके अंदर मुझे केस मिलने वाला है। यस, इसके अंदर मुझे केस मिला है। मुझे लगता है जितना मीशो के बारे में रिव्यूज अच्छे नहीं आते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं गाइस, अभी तक तो सब सही चल रहा है। बस हाँ, 52 रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिले तो नहीं गाइस, आप लोग फिर ब्रांडेड की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको फ़ोटोज़ रील्स बनाने के लिए चाहिए तो आप इन शेड्स को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आप ईज़िली 500 के अंदर आप बहुत सारे शेड्स ले सकते हो। इसके अंदर आपको एक क्लोथ भी मिला है जो कि अच्छी क्वालिटी का है, पहले से ज़्यादा। जो पहले वाला था, फर्स्ट वाले में, उसमें वो क्लोथ ऐसा लग रहा था कोई किसी की शॉर्ट्स का कपड़ा काट के दे दिया है। आप देख सकते हो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, कहीं से भी अनइवन नहीं है। और इसके जो स्ट्रैंड्स हैं ठीक है, मतलब पहले तीन से ज़्यादा अच्छे हैं, टाइट हैं। तो मैं इसका आपको सबसे पहले प्राइस बता देती हूँ। ये थे टिमी सनग्लासेस जो कि 49 रुपीज़ के थे, 49 रुपीज़ के। पता है मैंने जब ऑर्डर किए थे ना, जैसे मैंने रिव्यूज़ देखे हैं मीशो के, मैंने जब ऑर्डर किए थे तो मुझे डर था कहीं टूटे हुए ना आए, मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है बहुत बार कि मीशो वाले रिटर्न नहीं लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी आई है। आप लोग अगर सरोजनी या किसी भी मार्केट जाते हो शेड्स ट्राई करने के लिए तो बिल्कुल बंद कर दो, आप लोग सीधा मीशो पे जाओ, आपको बहुत सस्ते सस्ते शेड्स मिलेंगे। और हाँ गाइस, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, तो आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि मैंने ये सारे शेड्स अपने खुद के पैसों से लिए हैं। तो इसको भी मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। पता है मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, मैं आप लोगों को भी बता नहीं सकती। मुझे लगा था एक दो पीस तो बिल्कुल टूटे हुए आएंगे, मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं था, बट ये देखने के बाद इतने सुंदर सुंदर शेड्स। आप लोग बताओ आपको कैसा लग रहा है ये शेड। सबसे पहले पॉज करो वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आपको ये शेड कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा है। मैंने कहा चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े थे। सो गाइस, फिर से वो ही चूड़ियों का डब्बा। एक मिनट, ये क्या है? मीशो की वीडियो सही निकल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना गाइस? तो ये वाला शेड मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ये मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों भेज दिया मुझे और किस प्रोडक्ट के बदले मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। पहले जो मेरा लास्ट पैकेज है मैं वो खोल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगी कि इस वाले शेड की जगह मैंने कौन सा शेड ऑर्डर किया था ये। सो गाइस, ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये हैं दो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, ये भी मुझे कॉम्बो में मिल जाते हैं, बाय वन गेट वन। तो ये मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितने के लिए हैं। सो गाइस, ये वाले शेड्स जो मैंने ऑर्डर किए हैं ये हैं वाइट फ्रेम सनग्लासेस फॉर मेन एंड वुमेन, एंड इनका प्राइस था 130 रुपीज़। ये वाले सबसे ज़्यादा कॉस्टली थे। अब इनकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं।
गाइस आपको दिख रहा है, आप देखो एक सेकेंड, अब देखो इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये मुझे नहीं पता ही क्या है, बट ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा, और ये साफ नज़र आ रहा है। गाइस मैंने ये शेड्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने इसको बहुत मन से मंगाया था, मैं इसका बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। कोई बात नहीं, इसको ट्राई करके दिखाती हूँ मैं आपको, जो दूसरा वाला है शायद वो ठीक निकल जाए, देख लेते हैं। सो गाइस दोनों का जो शेप है ना वो अलग अलग है, मुझे लगा था सिमिलर है, जो फोटो में दिखा रखा था वो सिमिलर था, बट जो दोनों की शेप है वो अलग अलग है, आप ये देख सकते हो। एंड नेक्स्ट ये थोड़ा स्क्वायर में आ जाता है, चलो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। सो गाइज मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिख रहा होगा, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, ये वाले शेड्स ना ट्रांसपेरेंट शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली मैंने ये शेड्स इसलिए, एक मिनट आपको डिस्ट्रैक्शन हो, स्पेशली मैंने ये वाले शेड्स इसलिए मंगाए हैं क्योंकि मेरे को एक लुक रिक्रिएट करना है, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया तो। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, मुझे ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है गाइस, इसकी जो ये है ना साइड से ये एजेस बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं और बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को बताना आप लोगों को ये शेड कैसा लग रहा है। एनक लगाती मुट्टे यार दे पतंदरा तू, एनक लगाती मुट्टे यार दे। प्रोडक्ट मिसिंग था उसका मैं आपको बता देती हूँ पहले, बहुत ही ज़्यादा बेकार है गाइस, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, सामने से पता लग रहा है बहुत ज़्यादा चीप है, एकदम क्वालिटी बेकार है। सो गाइस मैंने मंगाए थे स्काई विंग लेटेस्ट स्टाइलिश मैन एंड वुमेन सन ग्लासेस, जो कि कॉम्बो में थे, इनका प्राइस था 120 रुपीज़ 60 रुपीज़ का एक, और ये मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, अभी इनका प्राइस 155 शो हो रहा है, बट ये मेरे को 120 में मैंने इसको ऑर्डर किया था, उसकी जगह पे इन्होंने मुझे ये भेज दिया जो कि मैं डेफिनेटली रिटर्न में डालने वाली हूँ। तो गाइज ये था आज का पूरा हॉल वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोग चाहते हो मेरे चैनल पे मीशो सीरीज़ तो प्लीज़ कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो, एंड अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, जिस बारे में कमेंट करोगे मैं वो वाला मीशो हॉल आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, एंड किस कैटेगरी पे आपको चाहिए वीडियो वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट, सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट वॉट इज व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल पर और भी वीडियोज हैं, देखते रहिए। एंड यस गाइज मैं शॉर्ट्स पे बहुत ही सही सही प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए रिव्यू करती हूँ, बहुत ही सही सही वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोग शॉर्ट्स को भी ज़रूर देखना, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।